अस्सलाम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज जी हम लोग जा रहे हैं बटकड़ाई खाने। अब ये बटकड़ाई खुली है DHA फेस वर्ल्ड में और हमें पता नहीं है कि ये ओरिजिनल बटकड़ाई है नहीं है, लेकिन हम वो खाएंगे, उसका रिव्यू देंगे आपको और बताएंगे वो कैसी है। तो लेट्स गो। अब हम लोग जा रहे हैं और चलेंगे बाहर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बटकड़ाई बहुत ज़्यादा है, आपने हमें बताना है कि कौन सी सही वाली कौन सी नहीं है। बस इसका फ़र्क ये है कि इसकी एम्बियंस अच्छी है, हम कभी यहाँ गए नहीं काफ़ी अर्सा हो गया, इसको साल 1.5 साल 2 साल हो गए बने हुए। तो जब मैं ए लेवल्स करी थी तब से बनी हुई है ये। तो हम ट्राई करेंगे और देखेंगे, बाहर बहुत अंधेरा है तो बाकी तो और वीडियो शूट नहीं होगी। सी यू देयर। हम लोग आ चुके हैं और मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। ये आगे जी हम लोग बटकड़ाई, और ये बटकड़ाई फेस 4 DHA लाहौर में है। अब हमें नहीं पता ये ऑथेंटिक इन ऑथेंटिक है, लेकिन हम इसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आप। अब इनकी एम्बियंस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ऐसे लगता है कि किसी आप अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए, लक्ष्मी वगैरह में तो कभी भी ऐसे नहीं फील आती। तो खैर, यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर कर लिया था और खाने का वेट कर रहे थे। गाइस, तो हम लोगों ने कढ़ाई ऑर्डर की है और साथ हम लोगों ने कबाब ऑर्डर किया है, जब वो आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये आगे हमारे पास कबाब नान, ये नॉर्मल रोगनी नान है और ये गार्लिक नान है, और ये आगे हमारे पास कढ़ाई इनकी। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग कबाब। ये 1 मीटर लॉन्ग कबाब एक बड़ा कबाब होता है, और एक साइड पे इनका डिफरेंट था कबाब और एक साइड पे डिफरेंट था कबाब, मतलब आप उसको खुद साइजेस में थोड़े छोटे काट सकते हो, लेकिन एक लंबी डिश में आता है। और यहाँ आ गई हमारी कढ़ाई, आप कढ़ाई देख सकते हैं कि ये इनकी जो कढ़ाई की डिश थी वो लक्ष्मी वगैरह में जो मैंने कढ़ाइयाँ खाई हुई थोड़ी सी बड़ी बड़ी कढ़ाई की डिशों में आती है बजाय इसके। लेकिन खैर, यहाँ पर जो मैंने जब कढ़ाई खाई थी तो मुझे अच्छी लगी थी, जैसे अच्छी कढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मेरी मम्मा को खासा पसंद नहीं आई थी। और यहाँ पर आ गए हमारे कबाब, तो एक कबाब पे तिल लगे हुए थे और एक कबाब बहुत ही जूसी थे और बहुत सॉफ्ट थे और बहुत मज़ेदार थे, तो कबाब तो सबको बहुत पसंद है। और यहाँ पे चीज़ वाले कबाब थे और चीज़ की बिल्कुल भी किसी भी तरह की स्मेल नहीं थी। इनके साथ इन लोगों ने हमें दी थी इमली की चटनी, तो जो इमली की चटनी के साथ जब कबाब लगा के हम खाए थे, चाहे वो चीज़ वाला क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही मज़े का लग रहा था, लाइक बहुत टेंडर और बहुत स्वीट थे। आई एम नॉट रियली अ कबाब लवर, लेकिन कबाब सबको बहुत पसंद आए थे, और मेरी मम्मा को तो कढ़ाई से ज़्यादा जो है ना वो कबाब पसंद आए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कढ़ाई ऑलमोस्ट हमने खा रहे थे, अभी मैं बीच में इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन ये जो इसका मक्खन है, मक्खन में बनी हुई है, तो मक्खन की मेरी मम्मा को स्मेल आ रही थी। मुझे ऐसे कुछ मसला नहीं है, मैं इसको दूँगी 7 out of 10, मतलब मुझे भी कुछ बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन जैसे अच्छी कढ़ाइयाँ होती हैं वैसे लगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सॉफ्ट स्वेल, ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ को पता होगा लाहौर की मार्केट है सारी, यहाँ पे सॉफ्ट वेल है और वहाँ पे पीछे ही स्वीट क्रीम है, इधर ही पीछे करके, तो मुझे लेकिन सॉफ्ट वेल ज़्यादा पसंद है। खाने लगे हैं, आपने कौन सी खानी है पकड़ ले आप। चलो भाई, ब्राउनी वाली आइसक्रीम खा लेते हैं, मुझे इनकी ब्राउनी वाली आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है, स्वीट क्रीम की भी नहीं पसंद, इनकी ब्राउनी बहुत अच्छी लगती है। आपने खाना होगा? मैं वही कॉर्नफ्लेक्स वाली। कॉर्नफ्लेक्स वाली कौन सी है? ये जो है कौन सी? ये मामा खाती है फ्लेक्स वाली, फ्लेक्स वाली चॉकलेट में, ये वनीला फ्लेक्स वर्ल। अब यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाने लगे हैं। ये मेरी कसम लाइट ही नहीं आ रही, दोबारा से लग नहीं, कोई दोबारा से, नो रीटेक, कोई रीटेक नहीं है। माँ आपने अपने आप को दिखाना है? नहीं, मम्मा ने कहा है सॉरी मैंने अपने आप को नहीं दिखाना। क्या बताया है, कोई बात नहीं है। खैर, अपनी तुम बूथी सही ले रही हो। मैं बूथी मुझे इनकी ब्राउनी सबसे ज्यादा पसंद है। आइसक्रीम मैं ले रही हूँ इसके अंदर। चुप क्यों रही हो? इनकी ब्राउनी बहुत डार्क है और ऐसे बहुत अच्छी है, तो मिल्क बहुत अच्छा लगता है। क्या मसला है? मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, ब्राउनी बहुत गरम गरम आई है, गरम गरम, और ये आ गया आइसक्रीम। आपने अपने
मैं खा लूँ जरा फिर मैं आती हूँ आती हूँ।